Good evening, respected teachers and colleagues. On behalf of HSH, MRS, G, Manobhav, I, Dr. Anita Bajaj, welcome you all. I also welcome very warm, who introduced my dear friend, Dr. Vikram Chauhan. Dr. Vikram Chauhan is a senior homeopathic practitioner from Pune. He has been practicing from last 28 years. He was associated with ICR for more than 13 years and has presented cases in many symposia. He has also presented papers in international national conferences and given undergraduate and postgraduate lectures in Kolhapur, Chandrapur and Nanded. Apart from homeopathy, he is avidly interested in music. He also introduced me to ghazals. A glider pilot. Indeed, an impressive CV. Looking forward to learn from you. Stages. All yours, Dr. Vikram. Thank you, Dr. Welcome, sir. It's a PO, obedience to the truth. So, truth, har ek ka experiential truth hota hai. Apna, har ek ka jo experience lega. जिसने देख लिया कैंसर ठीक होता है उसके लिए कैंसर ठीक होता है, ये ट्रुथ है। जिसने देख लिया कि ये ठीक नहीं होता है उसके लिए वो ट्रुथ है। तो ट्रुथ की अपना इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करता हूँ जिसको मैं अपना ट्रुथ समझता हूँ, और ये अब बंधा किसी और से नहीं है, किसी और टीचर से नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। ठीक है, so let me take you to a small anecdote. एक जोक है जो कई लोगों ने सुना हो। बेटा हॉस्टल पढ़ने जाता है और एक अरब किंग है, उसका बेटा यूरोप पढ़ने जाता है, जर्मनी जाता है, एंड देयर कम्युनिकेशन होता है। पुराने जमाने की बात है, लेटर से कम्युनिकेशन होता है। द सन राइट्स टू हिज फादर कि डैड आई फील एम्बरेस्ड, इट इज गुड बट व्हेन आई गो टू कॉलेज I am the only one who goes, royal family का है तो Mercedes में जाता है। तो कहता है, I am the only one who goes by a car. Everybody else comes by a train. तो बेटा जवाब, father जवाब भेजता है बेटे को। Father लिखता है कि बेटा I am sorry. Father को भी शर्म आती है। कहता है, do one thing. I have transferred 20 million to your account. Go buy a train for yourself. अब एक लिखता है कि मुझे शर्म आती है, embarrassed शर्म आती है। एक सोचता है शर्म आती है कि मैं गाड़ी में आता हूँ, रईस बहुत है, बाकी के लोग आम तौर पे जो ट्रैवल करते हैं आम आदमी की तरह, वो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। जिस फादर ने अपने नजरिए से देख, उसने देखा नहीं ये ट्रेन क्या है, तो फादर को भी शर्म आती है और सोचता है कि लोग ट्रेन खरीद सकते हैं वहां, मेरा बेटा सिर्फ गाड़ी में जाता है, तो अपने आप को गरीब समझता है और वो सोचता है मैं बेटे को पैसे भेज दूं, मैं बेटा तू ट्रेन खरीद ले। तो दोनों को शर्म है, दोनों को एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट है। इसमें होम्योपैथी है नहीं है, सोचने वाले हरेक की हरेक का नजरिया है, लेकिन हमको तो दोनों दिख रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि हम एम्बेरस्ड हैं। एक एम्बेरस्ड है, रईसी दिखती है, इसलिए दो रूब्रिक जोड़ेंगे तो आपको चार ड्रग मिलेंगे, प्लैटिना, सल्फर और दो है उसमें, और आप उसके कॉन्ट्रास्ट जो फादर की सोच है, फादर के इमोशनल स्टेट है, वो शर्मिंदा है, वो ये सोच के शर्मिंदा है कि कहीं मैं गरीब तो नहीं फील कर रहा हूं। तो उसका एहसास है डिलिजन पॉवर्टी का है। एक पॉवर्टी में एम्बेरेस्ड है, वो सेपिया है, सिंगल ड्रग मिलता है आपको, और एक है जो वेल्थ के साथ एम्बेरेस्ड है, उसमें चार ड्रग्स मिलते हैं आपको। तो ये एक्सपीरियंस जहां हुआ तो वहां से ये ट्रैवल शुरू हुआ कि हर छोटी छोटी चीज में आप जहां देखो, जहां भी देख लो, जो भी देख लो, आपकी पति दिखती है, आपकी नजर देखने वाली चाहिए। नहीं तो एक जोक है, हमने सब, मैंने जब सुना था पहली बार तो हम भी हंसे थे।
आई एम श्योर एवरीबडी वुड हैव हैड अ नाइस लाफ कि क्या पागल बने गाड़ी ट्रेन खरीदता है कोई जो अपनी जगह है आप देखो तो उसमें होम्योपैथी भी है लेट मी शेयर अनदर स्मॉल थिंग ये मैंने जो सुना वो बता रहा हूँ मैंने जो समझा वो बता रहा हूँ एक हकीकत हमारे यहाँ केस टेकिंग बोलते हैं जबकि मैं सोचता हूँ केस रिसीविंग ये इम्पोर्टेंट होती है टेकिंग में मैं मांगता हूँ या मैं लेता हूँ या तो चार चीजें सामने रखी है मैं चूज कर लेता हूँ एक चीज लू या दो चीज लू या फिर मैं मांगता हूँ भैया तुम्हारे पास बुफे लगा है और बुफे में जो जो लगी है मैं देखता हूँ कौन सी मुझे चाहिए और वो ले लेता हूँ ये टेकिंग हो गया और रिसीविंग वो होता है जो साधु जाता है अपना बोल लेके और कहता है भिक्षाम देही जो मिलेगा वो ले लूंगा जो मिलेगा वो ले लूंगा ये टेकिंग हुआ और जो चाहिए ढूंढ के जो है उसमें से मैं ढूंढ के लेता हूँ ये सॉरी ये टेकिंग हुआ और जो मिला वो लेता हूँ वो रिसीविंग हो गया हमारे यहाँ फिलोसोफर्स ने लिखा है कि केस टेकिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं केस रिसीविंग है और रिसीविंग होना चाहिए केस कब रिसीव होती है केस कहां से रिसीव होती है मैं आपको एक छोटा सा एक सेकेंड होल्ड करिए मैं अगर पावर पॉइंट मैं केस से शेयर करता हूं केस ही शेयर करता हूं कहीं बीच बीच में कोई अगर हाँ या ना कुछ कहे सर तो पता चले सुनाई दे रहा है मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ कि मैं बंद रूम में नहीं 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 सुनाई दे रहा है ठीक है सर आ रही है आवाज है सर बस तो ऐसा लगता है कि हाँ लाइव है सेशन जिसकी एक डॉक्टर है जो आप पढ़ पा रहे हैं क्या ग्रुप चाहेगा मैं पढ़ के बताऊं या फिर मैं केस बताऊं स्क्रीन इज नॉट विजिबल जनरली क्या होता है केस पढ़ी जाती है दिखती है वो पढ़ के बताइए सर हां जी स्क्रीन इज नॉट विजिबल नॉट विजिबल ओके फिर आप ओके पढ़ के बोल दीजिए I have no idea why. चलिए ठीक है मैं आपको केस पढ़ के बताऊंगा केस ही समझा देता हूँ आप उसको इंटरप्रेट करिए दिसंबर में अभी कुछ महीने पहले मतलब जब केस आई है उसके पहले की बात हो रही है एक डॉक्टर है जो यहाँ के एक बड़े हॉस्पिटल के डायरेक्टर है उनका फोन आया बोले विक्रम मुझे तेरे पास आना है मैंने कहा आई काय के लिए आना है कहता है डीवीटी हुआ है और जब डीवीटी हुआ था तो ट्रीटमेंट ली है बट इट हैज नॉट हेल्प मी तो मैं सोचता हूँ होम्योपैथी ले मैंने कहा ठीक है आइए तो अपॉइंटमेंट हो पहले कब अभी आ जाऊं मैंने कहा सर अभी तो मैं घर पे हूँ आप बोलिए आप अगर बोलते हैं तो मैं जल्दी आ जाता हूँ इसे नहीं नहीं ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है तो नेक्स्ट क्लिनिक में कब रहेगा तब आ जाऊंगा मैंने कहा सर अर्लीस्ट कल सुबह आ जाइए तो कल सुबह आ जाइए ही स्टिल टॉकिंग अबाउट कब आऊं क्या आऊं मैंने कहा सर आप जिस टाइम पे बोलेंगे मैं आ जाऊंगा ही इज अ सीनियर प्रैक्टिशनर इज इन अ हॉस्पिटल जो पेशेंट्स भी भेजते हैं तो मैं उनके लिए ऑब्लाइज करने को रेडी था तो दो पूरे दिन चले गए फोन कॉल में और आए नहीं थे जिस दिन आए उस दिन सुबह बोले थे कि मैं आता हूँ 10 बजे पहुंच जाऊंगा 10 बजे क्लिनिक खोलता है मैं 10 बजे आ जाऊंगा और उस दिन मैंने कहा था सर मेरी खुद की डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है 1 बजे तो आप अगर 10 बजे आते तो बहुत बढ़िया नहीं तो आप 12 तक कभी भी आ जाइए इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम 12:30 के बाद मेरी 1 बजे अपॉइंटमेंट थी मैं 12:30 के बाद क्लिनिक बंद करके निकला कि अब नहीं आए तो कोई बात नहीं मैं निकल जाता हूँ जब आएंगे तब आएंगे और मैं जैसे ही बंद करके निकला तो मुझे बीच में सीढ़ियों में नीचे आराम से टहलते चलते आते हुए मिले कहते अरे तुम जा रहा है मैंने कहा सर चलिए आइए ऊपर
I immediately went upstairs to the clinic. I opened the clinic again and I got inside. आजकल किताबें नहीं कंप्यूटर ऑन करते तो मैंने कंप्यूटर ऑन कर दिया बूट होता है तब तक राह देखी नहीं आया तो मैं बाहर चले गया वापस सर कहाँ गए आप आए नहीं तो सर बाहर बैठे थे आराम से टिक के बैठे थे सर पे एक हाथ सर पे आई डोंट नो वेदर यू कैन सी मी ऑन द स्क्रीन कैन यू ऐसे हाथ एक सर पे हाथ रख के आराम से बैठे थे टिक के मैंने कहा सर लेट हो रहा आइए मैंने कहा सर लेट हो रहा आइए Eventually came in. अभी ये जो जो मेरे सामने मेरे साथ इंटरेक्शन हुई ये मेरे पास आई थी अब इसके बाद जो होता है ये सब मैं जो पूछता हूँ और जो टेकिंग वाला हिस्सा बात है वो होती है इसके बाद मैंने केस पूछी पहले सर क्या हुआ नहीं गिव मी डिटेल्स कि मुझे डीबीटी हुआ था फिर ट्रीटमेंट करवाई हॉस्पिटल में जैसे ही पता चला थोड़ी सी तकलीफ हो रही है तो लोगों ने इन्वेस्टिगेशन और करवा लिए इन्वेस्टिगेशन करवा लिए और फिर कहते हैं कि ट्रीटमेंट करवा लिए आईवीसी फिल्टर्स लगवा लिए इंफीरियर वेना कावा में फिल्टर्स लगा देते हैं सो दैट ऊपर ना जाए क्लॉट कहीं पल्मोनरी आर्टेरियल स्ट्रक्चर में कहीं अटके नहीं इसलिए सब स्टोरी बता रहे हैं फिर स्टोरी के बीच में ही केम अप विद अ वेरी फनी स्टेटमेंट से यार एक मजे की बात ये हुई बहुत बढ़िया चीज ये हुई कि इन्वेस्टिगेशन में पता चला सी प्रोटीन ज्यादा है मेरे और एस प्रोटीन कम है मेरे ब्लड में तो ये एस प्रोटीन कम होना कंजेनाइटल है मैं सुन रहा था मुझे तो आगे चलना था और मेरे लिए केस खत्म हो चुकी थी बिफोर ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिज कंप्लेंट मैंने कहा सर अब आए क्यों है आप अगर आपने डायग्नोज हो गया है आपने ट्रीटमेंट करवा लिया है सब करवा लिए बोले देखो वारफेरिन ले रहा हूँ हिपेरिन वारफेरिन चालू है और उसके डोसेस बड़े मॉनिटर करने पड़ते हैं सुबह शाम आईएनआर वैल्यू करवानी पड़ती है और बड़ा टीडियस है और उसमें डर लगा रहता है आई वॉन्ट एन ऑल्टरनेटिव थेरेपी कहता है पैर में सूजन थी वो वैसे तो चली गई है लेकिन मुझे फिर भी अभी कम्फर्ट नहीं है मेरे पैर मुझे कम्फर्टेबल लगते नहीं मुझे नहीं लगता है मैं पूरा ठीक हूँ ठीक है अब होम्योपैथी लेनी है वो इसके लिए लेनी है बोले हाँ मैं मुझे जानता हूँ कि होम्योपैथी इफेक्टिव है मेरे कई पेशेंट्स तूने ठीक किए हैं तो मुझे तू दवाई दे दे मैंने कहा सर ठीक है ही गोज ऑन हिज ओन कहते वैसे तो मुझे तेरे पास तेरे पे भरोसा है लेकिन ये भी है कि मैं एक्सरसाइज रेगुलर करता हूँ और मेरी बॉडी अपने आप को बढ़िया मैनेज कर लेगी मैं ठीक तो हो ही जाऊंगा मैं जानता हूँ सर फिर आए हैं फिर भी आप कहते यार एक वो डॉक्टर के है एक उसके पास जाना था बहुत दिनों से सोच रहा था लेकिन अब तू भी तो उतना ही अच्छा है कोई बात नहीं तेरे से ले लूंगा मैंने कहा ठीक है सर और कुछ तो कहते और कुछ नहीं अब ये इतनी केस थी डिटेल्स आपको अगर चाहिए तो मैं शेयर कर दूं लेकिन डिटेल्स में डीबीटी के डिटेल्स में केस नहीं है 6 दिसंबर को उनकी डीबीटी डॉक्टर करवाई थी जिसमें एक्यूट वीनस थ्रोम्बोसिस इन्वॉल्विंग द एंटायर लेफ्ट वीनस स्ट्रक्चर विद प्रॉक्सिमल एक्सटेंशंस जस्ट अवे फ्रॉम द शॉर्ट सैफेनोपॉपिटियल जंक्शन ये इंप्रेशन का रिपोर्ट था और दवाई हमने दी थी इनको 7th या 8th दिसंबर को 2007 की बात है और उनकी 28 तारीख को एक डॉक्टर वापस करवाई थी वो डॉक्टर जब करवाने गए तो रेडियोलॉजिस्ट ने मुझे फोन किया कहता है विक्रम अगर ये मैंने पहले वाली मैंने नहीं करी होती तो मैं लिख के देता था कि किसी ने उल्लू बनाया है मैंने कहा क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप तो कहते हैं अभी डीप पेन सिस्टम इतना नॉर्मल है दोनों लिम्स का कि ऐसा मैंने आज तक कभी देखा नहीं है वीनस थ्रोम्बोसिस के बाद तो केस यही खत्म हो गई केस हमारे लिए खत्म हो गई केस मैंने आपको शेयर कर दिया कि उसका फॉलोअप उसका रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया है अब शुरू कहां होती है केस और खत्म कहां होती है मैं पहले जब पढ़ता था तो डिटेल केस टेकिंग होती थी जिसमें मैं इंफॉर्मेशन लेता था मैं पूछता था क्या हुआ है क्यों हुआ है कहां से हुआ है डीप वेन थ्रोम्बोसिस राइट लेग है लेफ्ट लेग है फिर मैं सोचता था कि ये आर्टरी है कि वेन है आई एम श्योर सब लोग यही सोचते होंगे सिखाया जाता है अब जब माइंड सिस्टम पे आए हैं
तो इंसिडेंटली किसी एक केस में एक रूब्रिक यूज किया था के 4-6 महीने पहले, जो बड़ी मुश्किल से सीखा था। इस बार वो जैसे बैठे थे मीटिंग में मेरे, तभी केस खत्म हो गई थी। जो आदमी आपके साथ 2 दिन से बात कर रहा है, कह रहा है मेरी जान पे आई है, मुझे टेंशन है, INR वैल्यू कम ज्यादा होती है, सुबह शाम मॉनिटर करना पड़ता है, तकलीफ है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, IVC फिल्टर्स लगा चुके हैं, और फिर भी 2 दिन लगाता है, 2 दिन लगाता है, उसके बाद भी अपॉइंटमेंट कहता 10 बजे आ जाऊंगा, और आता है बंद करने के समय जब आपने कह चुके पहले कि मैं शायद ना रहूं, और आने के बाद बाहर बैठे हैं साहब, साहब बैठे हैं। तो आई डोंट नो, मैं एक्चुअली अभी तक पढ़ाया हूं, मैं पूछता हूं, आई होप सब लोग अपने अपने दिमाग में जो जो आता है, जो 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 रूब्रिक्स आते हैं वो लिए होंगे। कोई किसी का कोई फीडबैक या कोई ओके ओके या स्क्रीन पे आ रहा है जरा पीपल, क्या क्या उनके पास दवाइयां आती है जो वो सोचते हैं किस सिचुएशन में काम करें। सर इंटरेक्शन हो सकती है नहीं होती है? ओके डॉक्टर गुप्ता कहती है प्लैटिना, किसी ने अभी कहा कैन यू रीड द चैट विक्रम, कैन यू रीड द चैट, डेलिजन हेल्प कॉलिंग फॉर, इसमें मुझे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लगा। और दूसरे उन्होंने नीचे दिखा दिया, कॉल मैसेजेस ओके चैट, तो सही है डॉक्टर साहब। आरोग्य मंदिर जिनका नाम है स्क्रीन पे, स्क्रीन नेम है, आई थिंक यू हैव सीन, यू हिट द डॉक्टर मनोज जायसवाल है, एक रूब्रिक था जो सामने दिख रहा है। फॉर और प्लैटिना दिया था, एक डोज इनको प्लैटिना 6 का दिया था, एंड ही हैज रिकवर्ड ब्यूटीफुली वेल। अब ये रही केस, सर रूब्रिक क्या लिया था सर आपने, आवाज नहीं थोड़ा केस, सा लेकिन इस केस से रूब्रिक तो हमने 4-5 लिए थे तब, रेट्रोस्पेक्ट स्टडी में और 2-4 रूब्रिक डाले थे, लेकिन इसमें की रूब्रिक जो सिंगल पिन पॉइंट रूब्रिक था वो था डिलीवर हेल्प कॉलिंग फॉर, इसमें एक ही ड्रग है। किसी ने अभी ग्रुप पे किसी ने कहा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हाँ है, डिल्यूजन वेल्थ किसी ने कहा बेलेडोना सोचा, हाँ है, वो फालतू की बात बीच में करते हैं, विटामिन मेरा एक प्रोटीन सी ज्यादा हो गया, प्रोटीन एस कम हो गया, ये कंजेनाइटल है, ये नहीं है, ये फालतू का मजाक है, जेस्टिंग जिसको कहते हैं, ये है, ये बेशर्मी से थोड़ा सा बोलिए, एक डॉक्टर के पास आए और उनको कहते हैं कि दूसरे डॉक्टर के पास जाना था लेकिन तुम भी उतना ही ठीक हो, जिनको किसी के फीलिंग की परवाह नहीं है, ये अनफीलिंग है। ये रूब्रिक्स जो पॉसिबल बहुत सारे हैं, एक 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 आप जैसे जैसे जो जो फील होगा, जहां जहां जो फील होगा वो रूब्रिक मिलेगा, और ये सारे रूब्रिक्स प्लैटिना में मिलेंगे आपको, प्लैटिना सब रूब्रिक्स में मिलेगा, इनको प्लैटिना दिया था और वो इमीडिएटली ठीक हुआ है। ये मेरी ये केस जो प्रेजेंट हो रही है, ये मेरे शुरुआती दौर की है, तब मैंने ये डिलीजन हेल्प के साथ एक हेल्प वर्ड ढूंढ के रिपोर्टरी में कितने रूब्रिक्स है ये ढूंढे थे। तो एक इंटरेस्टिंग स्टडी है कि जहां आपको हेल्प पूरे रिपोर्टरी में हेल्प वाले रूब्रिक सिर्फ 9 मिलते हैं, ओनली 9, जिसमें से यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक नहीं एक से ज्यादा, कम से कम आई थिंक 4 या 5 रूब्रिक है जो सिंगुलर है,
इसमें एक सिंगल ड्रग है, डेथ प्रीसेंटिमेंट ऑफ एंड आई विल नॉट बी ए हेल्प, कोई मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा, मैं मरने वाला हूँ, सिंगुलर ड्रग है। डिलीजन डाई अबाउट टू, और किसी और की मतलब आप आई मीन यू कैन गो थ्रू द रूब्रिक्स। डिलीजन डाई अबाउट टू डाई वन वॉज एंड विशेष समवन वुड हेल्प हर, मुझे कोई हेल्प नहीं करता ऐसा लगता है, उसमें भी एक ड्रग है। एक ड्रग एक रूब्रिक ऐसा है कि डिलीजन मर्डरिंग, कोई दोस्त आता है बचाने के लिए, मैं मर रहा हूं और मैं उसको मर्डर करता हूं, ऐसे कुछ रूब्रिक्स है जो हेल्प वर्ड को वर्ड के अंदर मिलते हैं। इस सब में एक और इंटरेस्टिंग ड्रग जो बाद में कभी यूज आया है और आई एम श्योर लोगों में आता होगा, लोगों को आएगा, ailments from asking for help है। हमने अभी देख लीजिए help calling for, ये वो है जिसको help लगता है कि मैं help मांग रहा हूँ, खुद किसी को help नहीं करता है, platinum मांग लेता है help, वो चीख के भी मांगता है, seeking help for में भी है, वो ऐसे behave करेगा कि अरे आपको समझ में नहीं आता है, मेरी दिक्कत है, गाड़ी मेरी बंद पड़ी है, मैं ये नहीं कहूंगा भैया प्लीज थोड़ा धक्का दे दो, मैं कहूं मैं उल्टा हावी होने की कोशिश करूंगा और कहूंगा समझ में नहीं आता कि अटकी है। ये डिलीजन हेल्प कॉलिंग फॉर है, और ये प्लैटिना वाले किसी और को हेल्प करना भी नहीं चाहते, उनको अवर्जन है, वो इतने बड़े हैं, इतने वेल्दी है, इतने रुतबा उनमें इतना है, ईगो इतना है कि वो किसी और को हेल्प करना भी नहीं चाहते। ये रही प्लैटिना की बात, लेकिन एक और ड्रग है जो इंटरेस्टिंग है जिसमें उसको वो किसी से हेल्प मांगता नहीं है, और मांग ली तो उससे उसको दिक्कत आती है। आई लीव इट टू यू, आप यू कैन गो बैक टू योर मूवीज, यू हैव सीन एक नहीं कई होंगे जहां आपने देखा होगा कि कोई फादर है जो सिचुएशन कोई ऐसी होती है जहां हेल्प मांग नहीं सकता है, अपने आप को हेल्पलेस फील करता है और कहीं बोलना पड़ता है, बोल भी देता है और उसकी कुछ दिन बाद या कुछ पल बाद हार्ट अटैक के मर जाता है। हमारे पास एक हार्ट का ड्रग है जो आमतौर पर कॉलेज में पढ़ाते आए लोग और पढ़ते भी है, कार्डस मैरियनस, उसमें ये दोनों रूब्रिक एक साथ है। एलिमेंट्स फ्रॉम आस्किंग फॉर हेल्प और आस्किंग हेल्प नेवर। यस सर, दोनों जी। हाँ सर, दोनों रूब्रिक मिला। लेट अस गो टू अनदर केस, इज इट ओके इफ आई शेयर वन मोर केस? जरूर जरूर सर, प्लीज प्लीज। इस केस में कोई सवाल है या कुछ जरूरी है मुझे? सर एक क्वेश्चन है, ये केस में जब डॉक्टर ने आपको, सीनियर डॉक्टर ने आपको कॉल किया उन्होंने, और वो दो दिन के बाद में आए, तो सर आपने फिर प्रिविलेज क्यों नहीं लिया? सर क्या नहीं लिया? प्रिविलेज रूब्रिक क्यों नहीं लिया सर? जैसा उन्होंने बोला कि अपॉइंटमेंट ये कब आऊं करके, पहले तो एंजाइटी बता रहे कि मुझे तकलीफ है, मुझे ट्रीटमेंट लेना है, फिर उन्होंने दो दिन डिले कर दिया, और फिर जब आपसे उन्होंने अपॉइंटमेंट जी सर आवाज कट गई। अनिफ सर वो जिस हॉस्पिटल में डायरेक्टर है वहां एक नहीं बड़ी टीम है डॉक्टर्स की जो ट्रीट कर रही है। जी सर, मगर उन्होंने आपसे बात करके बोले मैं आता हूँ, फिर वो नहीं आए ना? आए नहीं, उन्होंने बताया ना कि एक और डॉक्टर है जो सीनियर होम्योपैथ है, उनके पास उनको जाना था, उनका रिश्ता उनके साथ ज्यादा है, उनके उम्र के हम उम्र है, उनको जो बड़ा है वो अपने बराबरी के आदमी के पास जाना चाहता है,
वो छोटे आदमी के पास आया है, मैं अपने आप को बड़ा ही समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे बराबरी का मेरे जिसको जानता हूँ वो ट्रीट करे, फिर वो कहते हैं कि तू मेरे पेशेंट को ठीक करता है, चल कोई बात नहीं तेरे से ही ले लो, मेरे से मेरा वहां जाना हो नहीं रहा है जी सर। तो फ्रिविलस डायरेक्टली लू ये शायद सही नहीं होगा जी सर। जी सर ठीक है सर। कंटेम्पचुअस टाइप लगा तो है, और सर उनका बैठने का स्टाइल भी यूनिक था, आपने शुरू में ही कहा कि आपने तभी क्रैक कर लिया था उनको। जी 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 जी, जो जो इंसान कहता है कि मैं आया हूँ मुझे दवाई चाहिए, मन बना के आया है कि मैं जहाँ जाना चाहता था वहां नहीं जा सकता हूँ, मैं आया हूँ और मैं हूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारे टाइम की, जब तुमने कह डॉक्टर ने बोल चुके हैं कि मुझे जाना है, मेरी अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के पास, तो कोशिश करना जल्दी आना, तो आपके टाइम की खुद को कोई परवाह नहीं है। सर एक रुबरिक और है, गैम्बलिंग पैशन ऑफ गैम्बलिंग करके, ये गैम्बलिंग जैसा कि वो डॉक्टर से भी लेना है करो उनसे नहीं मैं आपसे ले लेता हूं करके, ये रुबरिक लगा सकते हैं क्या सर? रुबरिक बहुत लगा सकते हैं। मेरी पर्सनल डिफिकल्टी ये होती है कि जब तक मुझे पूरी तरह वो वर्ड पहला वर्ड रुबरिक का पूरी तरह वहां भरोसे से लगता नहीं है मैं लेता नहीं हूँ, इसमें जुआ है नहीं। अब मैंने पूछा नहीं है उनसे वैसे तो कि आप क्यों नहीं आए, क्या सोच रहे थे आप, कहेगा गैम्बलिंग है, कोई कहेगा एडल्ट्रस है, वहां पे भी दवाई ले रहे हैं, यहाँ पे आ गए, कहीं और जाना भी है, पता नहीं कल जाएंगे नहीं जाएंगे। तो जी सर, जिस चीज में 100% है रूब्रिक के फर्स्ट वर्ड में जब 100% भरोसा है तब वो रूब्रिक लेता हूँ। जी सर, मैंने फीलिंग बताया आपको जब मुझे मैं किसी और चीज के लिए पढ़ रहा था और मैंने सोचा यार ये इस केस में एप्लीकेबल है, मुझे नहीं दिखाता था, मुझे सिर्फ जो डॉक्टर यादव कह रहे हैं बैठने की स्टाइल दिखी थी और मुझे वो आदमी ध्यान आया था जो सोचता है कि मैं हेल्प मांग रहा हूँ लेकिन बिहेव तो ऐसे कर रहा था जैसे मैं रॉब झाड़ रहा हूँ, इसलिए प्लेटिना दिया था। जी सर, जी सर क्लियर। डॉक्टर विक्रम इसलिए शेयर जी, प्लम्बम मेट का क्या होगा इधर? मैडम लेट मी क्रिस्टलाइज वन थिंग, मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि केस रिसीविंग और केस टेकिंग अलग होता है, केस टेकिंग में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि हम केस टेकिंग करते तो हम केस टेकिंग अपने दिमाग में ड्रग्स है उसके हिसाब से करते हैं। प्लम्बम मेट किस रूब्रिक से आया ये अगर सोचेंगे तब वो प्लम्बम मेट के साथ रिश्ता जोड़ने की या तोड़ने की बात आएगी। Unless plumbum mate comes in through certain rubrics or something about the case, about the presentation, about the emotions, it is not worthwhile. That exercise is not worthwhile. क्योंकि हम platina में reverence देखते हैं, platina में contemptuous भी देखते हैं। आप अगर चाहते हैं तो ये केस में देख सकते हैं कि इनको वो senior doctor उनके बारे में reverence होगा शायद। Okay. देख सकते हैं, लेकिन क्यों देखें हम? को देखना है पेशेंट आज उसकी तकलीफ को लेके उसके मन में क्या आ रहा है और वो आपके साथ क्या शेयर करता है, दैट इज इट। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाले ड्रग अनलेस दे आर डेफिनेटिव, आपके प्राइमरी रूब्रिक जो भी आप लेती है लेना चाहती है उस रूब्रिक अगर प्लम्बम में आता है और उसके साथ आपके दो तीन जुड़े हुए रूब्रिक्स है उसमें भी रहता है तब हम सोचते हैं और तब हम डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए मैं एक छोटी सी एक और इंटरेस्टिंग केस, मेरे लिए इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं सीखा हूँ, प्रेजेंट करता हूँ। एक हॉस्पिटल है जहाँ से पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है जहाँ से फोन आया था, वो पीडियाट्रिशियन शुरुआत में भेजते थे पेशेंट ये सोच के कि यार इनका कुछ होता नहीं है, पेशेंट परेशान करता है तो कहते थे जाओ होम्योपैथी ले लो।
और होम्योपैथी ले लो तो भेजते थे। एक दिन फोन आया, कोई वीआईपी पेशेंट था उनके लिए, तो फोन आया और कहते हैं कि यार एक हॉर्स विजिट करने आ जा। मैंने कहा आ जाता हूँ, क्या बात है? तो निमोनिया है। बोले सर आप, मैंने कहा सर आप वैसे तो पेशेंट भेजते हैं, आज निमोनिया के लिए, सादे निमोनिया, सिर्फ निमोनिया है। आई मीन ही इज अ डॉक्टर हु टेक्स अ लॉट ऑफ प्राइड इन ट्रीटिंग सो मेनी थिंग्स, और वो दुनिया को बोलते हैं पीडियाट्रिशियन कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो मैंने उनको पूछ लिया सर निमोनाइटिस के लिए मुझे बुला रहे हैं आप, क्या बात है? तो कहते तू आ तो जा। When I went there, I'm going to tell you certain facts of the case. Please make a note for your reference if at all you want. मैं इनको भाई ये बच्ची को देखने गया था 12 फरवरी 2009, 6 महीने की बच्ची थी और वहाँ लड़का था, सॉरी बच्चा था, और वहाँ गया तो पता चला कि ये इनकी कोई गांव लोकल सरपंच वरपंच होते उनके फैमिली का बच्चा है और वो बड़ी मिन्नतों के बाद हुआ था। दो छोटी लड़कियां, एक एमटीपी हुआ था, उसके बाद ये फोर्थ प्रेगनेंसी थी जिसमें लड़का है, और ये एट बर्थ इसको आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी थी, तो हाइपरबिलिरुबिनेमिया था, सेप्सिस हुआ था, मेनिनजाइटिस हुआ था, उसके बाद से उसको रिकरेंट न्यूमोनाइटिस चालू है। तो 6 महीने में कम से कम 6-7 बार ये बच्चा 6 महीने की उम्र में हॉस्पिटल में जा आ चुका है, एडमिट हो चुका है। And now the pediatrician is scared, worried and fed up. He is fed up ki baar baar aate, theek, wahi wahi hota hai. He is scared ki ye powerful family hai. And he is worried ki kahi mere hospital mein hai tab is bachche ko kuch ho na jaye. Maine kaha theek hai, main dekh leta hun. Main jab dekhne gaya tha to bachche ki khali cheekhne ki rone ki continuous awaaz thi. मैंने माँ से पूछ लिया क्या क्या हो रहा है, माँ भी रोते रोते बताई। द मदर सेड द चाइल्ड क्राइज ऑल डे, ही क्राइज इतना रोता है, एग्जॉस्ट होता है, उसके बाद ही सोता है। द चाइल्ड इज क्वाइट ओनली व्हेन द चाइल्ड इज अटरली एग्जॉस्टेड, शाम के समय थोड़ा ज्यादा होता है। माँ बोलती है मैं सुबह उठती हूँ तब से, रात को सोती हूँ तब तक एक ही काम करती हूँ, बच्चे को गोद में लेके रहती हूँ। उसके वो गोद में लेके ठीक होता है क्या? थोड़ा ठीक लगता है, मुझे लगता है कि मैं कुछ करती हूँ, शायद ठीक भी लगता होगा, लेकिन रोना तो दिन भर चालू है। The child is constantly cranky. On examination, the suck is poor. 4.5 kilo का वजन है। Poor suck implies the child is not really too good. इतना cranky है बच्चा कि उसको टैक्टाइल स्टिमुलस, विजुअल स्टिमुलस, ऑडिटरी स्टिमुलस, किसी से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। बच्चे को मैं अपनी तरफ उसकी नजर पल के लिए भी नहीं मोड़ पाया, नॉट इवन वंस। दैट इज द लेवल ऑफ क्रैंकीनेस ऑफ द चाइल्ड। अब आई वुड लाइक यू टू शेयर विद मी क्या मन में आते हैं ड्रग्स। सिन्हा है, लिख के आया, किसी ने सिन्हा लिखा है, चाइना इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट बट पेनलेसनेस ऑफ द कंप्लेंट्स यूजुअली पेनफुल, दिस इज द मेन रूब्रिक हियर, आई थिंक सो। सर आई डिड गेट द रूब्रिक, कैन यू प्लीज पेनलेसनेस ऑफ द कंप्लेंट्स यूजुअली पेनफुल। चलिए तो क्वाइटेड कैनॉट बी, ऐसा रूब्रिक किसी ने लिया है, डॉक्टर ओसवा है। हाँ सर, एनी अदर, क्योंकि वहां खड़े खड़े मैं जो सीखा था मुझे सिर्फ वो चैमोमिला सिन्हा इतना ही समझ में आ रहा था। Somebody has shared जलापा एज अ पॉसिबिलिटी। डॉक्टर यादव, सीमा यादव कहती है सिन्हा, डॉक्टर सूर्य प्रकाश सिंह कहते हैं सिन्हा, डॉक्टर भारती बुलियाती है जलापा। ओके सर, जलापा में सर एक मेडिसिन में तो दिन भर सही रहता है, बच्चा रात में रोता है, और एक मेडिसिन में रात भर सही रहता है, दिन भर रोता है, इसी वजह से शायद जलापा बताया होगा जिन्होंने भी बोला है।
ना ये बच्चा तो दिन रात रो रहा है, इसलिए सर आप थकता है तब सोता है। हाँ तो सर ये सिना ही है, क्योंकि वो सिना तभी सोता है जब जब थक जाता है तभी वो चुप होता है, अदरवाइज वो चुप ही नहीं होता किसी भी तरीके से। फोर्सफुली कंडीशन में ही जाके वो चुप होगा, अगर होगा तो माँ अगर उसको फोर्सफुली हैंडल करेगी ना, ये भी इसमें है एक। चलिए एकदम सही है। कई सारे केसेस ऐसे बहुत पहले से ट्रीट किए हुए हैं, हम क्लिनिक में बैठे बाहर आवाज आती है रोने की आवाज, चीख, वो रोने की चीख सुन के आप चाइना दे देते हैं, कैमोमिला दे देते हैं, सिना दे देते हैं, डिपेंड करता है कौन सा है। ऐसे तो दवाइयां पहले भी देते थे, लेकिन माइंड सिस्टम में आने के बाद एक एक थी, मैंने कहा था नहीं रिपोर्टरी यूज करनी चाहिए, किसको आता है सारा माइंड, हमको जितना आता है उतना काफी हुआ है नहीं, अब नहीं जानता हूँ। मैं जहाँ पढ़ाता था मैं बहुत सारे ड्रग पिक्चर्स देखता था, और मुझे एक मन में ये था कि ड्रग पिक्चर जो जानता हूँ उसके हिसाब से दवाई नहीं देनी चाहिए, ड्रग जो रिपोर्टरी ये करेगी रिपोर्टरल सिंड्रोम में जो ड्रग आएगा वो देना चाहिए। इस बीच में थोड़ी सी अकल चली थी, 2006 में मैंने एमडी करा था होम्योपैथी में रिपोर्टरी में, तो मैंने कहा जिस जो पढ़ाई करके आए हैं थोड़ा सा उसका भी इस्तेमाल करते हैं, एंड आई रिपोर्टराइज द केस। मैं रूब्रिक्स पढ़ता हूँ, आप बोलिए मुझे अगर ये रूब्रिक सही है तो। Weeping, weeping illness during carried desires to be carried, weeping children, babies in, clinging mother to, and weeping piteous children in. ये मैंने पांच या छह रूब्रिक्स लिए थे। सर piteous में दो ही मेडिसिन है। मैं पूछ नहीं सकता हूँ। सर pitiful weeping में दो ही मेडिसिन है, arsenic और pulsatilla. मैडम ये हिसाब बाद में करेंगे ना, कितने रेमेडीज रूब्रिक में, अगर आपको लगता है ये रूब्रिक सही है तो आप या तो आरसेनिक देंगी या पल्सिटिला देंगी, बताइए क्या चूज करेंगी। सर अगर माँ को वो परेशान करने में लगा हुआ है, अगर माँ कह रही है कि बच्चे ने बहुत परेशान कर रखा है, एग्जॉस्टेड हो गए हैं हम भी इसके साथ साथ, तो आर्सेनिक पे जाएंगे सर। ओके ये तो माँ कह रही है परेशान है, अब ये बताइए आप ये कैसे तय करेंगे आप, मतलब आप और हम, कि ये बच्चा परेशान कर रहा है, बच्चा बीमार है और खुद परेशान हो रहा है तो अपनी परेशानी खाली जाया करता है और उसमें माँ परेशान होती है, ये किसको मालूम क्यों, बच्चा जान के कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये कैसे पता करेंगे हम। बात तो सही है सर आपकी। चलिए अरे बच्चा तो बहुत छोटा है, इसमें ऐसे लग रहा है कि इसमें ऐसे लग रहा है जो आपने बताया कि आप उसका अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल भी आपको अटेंशन नहीं दे रहा था, तो मुझे लगता है शायद उसको उतनी तकलीफ होगी कि वो उसी में था कि वो कहीं भी डाइवर्ट नहीं हो रहा था। सो जैसा आप बता रहे हैं कि वो परेशान कर रहा है या खुद हो रहा है, तो शायद वो इतनी तकलीफ में है। तो जो बच्चा चुप नहीं होता है वो रूब्रिक ले लिया तो मुश्किल होती है, वही दो ड्रग्स है हमारे दिमाग में जो तीन रग आते हैं, तो मैंने सोचा कि जो ऑब्वियस है उसको बाजू में रखेंगे और जो बाकी है वो सारे रूब्रिक्स लेंगे। ये छह रूब्रिक लेने के बाद एक ड्रग है जो छह की छह रूब्रिक कवर करता है, एंड द क्लोजेस्ट द नेक्स्ट ड्रग दैट कम्स अप इन द लिस्ट द सेकंड ड्रग इज चैमोमिला जो सिर्फ तीन कवर करता है। तो मेरे दिमाग में जो चैमोमिला चल रहा है वो सिर्फ तीन रूब्रिक कवर करता है, जबकि जो ड्रग मैं सोच नहीं रहा हूं वो मतलब ऐसे रोते हुए बच्चों को देख के मैंने कभी सोचा नहीं आज तक लाइफ में, और वो ड्रग सारे के सारे रूब्रिक कवर करता है। क्या करना चाहिए, मैंने दवाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए सर, कवर कर रहा है, देनी चाहिए ना।
जिसने भी कहा देनी चाहिए, मैं आपके साथ हूँ, मैंने दवाई दे दी, मैंने उस बच्चे को पल्सिटला 6 का एक डोज दिया था और दूसरे दिन 30 का एक डोज दिया. You will be surprised with the feedback the mother gave. माँ आके रो रही थी अगले दिन. मैंने कहा क्या हुआ? तो कहती है ठीक हुआ बच्चा. मैंने कहा ठीक हुआ तो रो क्यों रही है? हम तो नेचर से मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो हुआ सो हुआ, हंसो खुशी खुशी से रहो. और ये रो रही थी. मैंने कहा हुआ क्या? तो कहती है सर ठीक हो गया. अरे मैंने कहा माँ ठीक हुआ तेरा बच्चा तो फिर रोती क्यों है? तो कहती है मैं उसके लिए नहीं रो रही हूँ, मैं अपने आप के लिए रो रही हूँ. मैंने कहा क्या ये क्या बोल रही हो, क्या हुआ? सर तकलीफ इतनी थी चार दिन बच्चे को कि मेरे मन में आके गया था कि इतनी तकलीफ हो उससे अच्छे बात ये हो सकती कि मेरा बच्चा मर जाए. ये कोई माँ कहती है नाउ गो बैक एंड थिंक. हम सोच रहे थे कि बच्चा परेशान करता है या सिचुएशन ऐसी है कि सच में परेशान होता है. हम ऐसी इस डिग्री ऑफ इरिटेबिलिटी को देख के हम सिर्फ सीखे चामामला और सिन्हा है प्रैक्टिकल पर्पस. छोटे बच्चे इतनी भयंकर इरिटेबिलिटी जो शांति नहीं क्वाइटेड कैनॉट भी बोलते हैं. तो हम देखते सिर्फ दो ड्रग है बाय एंड लार्ज, सिन्हा और चामामला. और जब आप सारे रूब्रिक्स देखते हैं जो आपके पास क्लियर नहीं है तो आप क्या से क्या कर सकते हैं. जो बच्चा अदरवाइज माँ भी छोड़ने को तैयार थी वो बच्चा नाउ द मदर इज हैप्पी एंड द चाइल्ड इज फाइन एंड दिस टुक ओनली 48 hours. सर प्लीज वापस रूब्रिक्स बताइए ना आपने कौन कौन से लिए प्लीज. जी मैंने अभी पढ़ा. मैं सोच रहा हूँ वो टाइप करूँ या मैं आप पढ़ के बता दूँ, दैट विल बी इजीियर. हाँ पढ़ के. Yes, sir, please. Weeping, irritable. Weeping, illness during. ये सब जो जो चीजें ध्यान में आई और जिसका कोई डिफ्रेंसिएशन मैं कर नहीं सकता हूँ मैंने सब लिया है. ये रो रहा है ये हकीकत है. इरिटेबिलिटी फिजिकल है ले लिया. बीमार है तब है रोना ले लिया. इसमें डिफरेंशिएशन मैं कोई सेग्रीगेशन नहीं कर सकता हूं. वीपिंग पिटियस चिल्ड्रन इन, वीपिंग चिल्ड्रन इन बेबीज स्पेसिफिक रूब्रिक है. चिल्ड्रन और बेबीज में हम अंतर करते हैं. ये रूब्रिक है ऐसा स्पेसिफिक. तुमने कहा चलो वो भी ले लो, नथिंग टू लूज. कैरिड डिजायर्स टू बी, जबकि मदर बोलती है मैं नहीं जानती हूं सच में इसको कितना फायदा होता है लेकिन शायद थोड़ा होता है दिन भर. वो ये भी मदर बोलती है कि मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं कुछ कर रही हूं अपने बच्चे के लिए. शी इज नॉट वेरी श्योर वेदर द चाइल्ड रियली इज बेटर बाय कैरिड और नॉट. फिर भी हमने वो लिया है और वो शायद थोड़ा सा ठीक है. तो वो कैरिड से है या मदर को वो बिलगना है माँ को इसलिए है ये भी नहीं जानते. वो भी लिया है. तो क्लिंगिंग एंड कैरिड दोनों है. कैरिड डिजायर्स टू बी क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन मदर टू वीपिंग के चार है. इरिटेबिलिटी के साथ, बीमारी के साथ, चिल्ड्रन इन बेबीज और पिटियस. ये 6 रूब्रिक है. बढ़िया सर. जी सर. सर आपने सच में अच्छा बताया क्योंकि अब हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ऐसी आग बंद करके कुछ नहीं लेना चाहिए. बहुत छोटा बच्चा है सर 6 months. थोड़ा बड़ा हो तो फिर भी एक आइडेंटिफाई हो सकता है कि आर्स तंग करता है तो पता लगता है. बट सर 6 months इज रियली वेरी स्मॉल बेबी. एक 6 months स्मॉल है, एक हकीकत ये है. दूसरी बात यह है कि उसकी स्टेट ऐसी है जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता है. एक छोटे बच्चे को उसकी आंखों में उसकी नजर देख के एक बार लैकेसिस प्रिस्क्राइब किया हुआ जानता हूं मैं. मैंने खुद ही किया है. लेकिन वो आंख बोलती है. ये बच्चे की आंख आपके साथ ये नहीं बोलती कि दर्द है. ये बच्चे की आंख आपके साथ ये नहीं बोलती कि तकलीफ है. ये बच्चे की आंख आपके ऊपर तरफ देखती ही नहीं है. सो गिवन द फैक्ट that there was no
डेटा ऑन विच आई कुड डिफरेंशिएट. मैं ये बच्चे को पल्सिला दिया था एंड द बच्चा ठीक होता है तो सबको चाहिए होता है. लेकिन जब माँ ने कहा कि मेरे मन में ये आके रोई और ये कह के गई, तो दैट वाज अ रियली पावरफुल एक्सपीरियंस. ऐसा लगा कि हाँ, होम्योपैथी ने सच में कुछ किसी के लिए किया. सोचिए जिस माँ का मन्नत का मांगा हुआ बच्चा है. ये गांव के यहाँ कल्चर है जहाँ की बेटियां हैं और उसके बाद बेटा है, वारिस है उस खानदान के लिए. उसके लिए वो माँ सोच सकती है कि मेरा वारिस ना हो तो भी चलेगा, उसको शांति रहे. दैट इज वेर इट फील्स दैट यस, होम्योपैथी रियली डज समथिंग इंटरेस्टिंग. दिस ब्रिंग्स मी टू व्हाट सैमुअल हैनिमन सेड वंस. हैनिमन साहब ने एक बार बहुत बढ़िया कहा है. वो कहते हैं कि फिजिशियंस कोई भी हो, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, आपको जो जोड़ना है जोड़ लो. फिजिशियन जो भी हो, वो मेरे सब भाई बंद है. मेरा किसी से भी कोई भी बैर नहीं. टू कोट हनीमन, फिजिशियंस आर माय ब्रेथरन, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम पर्सनली. द मेडिकल आर्ट इज माय सब्जेक्ट. तो एज लॉन्ग एज हम ठीक कर सकते हैं किसी को, हमने कौन सा रूब्रिक लिया, हमने किस तरीके से उसको देखा, हमने कहाँ पढ़ा, हमने कौन सी दवाई, होम्योपैथी का एक डोज दिया क्रूसिन का या नहीं, बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है. हमने सिर्फ माइंड देख के दवाई दी या माइंड के साथ बॉडी देख के दवाई दी, इसको भी बहुत मायने बाद में नहीं रखते. द बॉटम लाइन शुड बी द पेशेंट्स हेल्थ. जी सर, मैं समझ रहा हूँ कि आप बोलोगे कि नेक्स्ट केस प्रेजेंट करो, तो बिना पूछे बताइए, कंटिन्यू करिए सर. नहीं तो है, लेकिन केस नहीं प्रेजेंट करना चाह रहा था. मैं चाह रहा था कि मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ एक स्क्रीन शेयर करने की. पिक्चर है, अगर समझ आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आई विल share something else. चार pictures है, one after the other. कहिए दिखते हैं या नहीं दिखते, मैं नहीं जानता हूं. नहीं सर, नहीं दिख रहे. नहीं दिखता है, चलिए ठीक है. नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा है सर, अभी दिख रहा है. आपका स्क्रीन ओपन हुआ सर, अभी दिख रहा है. अभी दिख रहा है जी. हाँ, अभी देखिए, फोटो को देखिए खाली जी सर. फोटो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, चार फोटो एक ही जगह के हैं. कुछ सीखने जैसा है इसमें जी सर? सब चारों डिफरेंट डिफरेंट हैं, चारों में एक ब्रिज टाइप की चीज है सर, जो बीच में है. एक सब ब्रिज में एक जगह के हैं, चार मौसम क्या सर, वेदर अलग है. करेक्ट करेक्ट, अलग मौसम. एग्जैक्ट करेक्ट. कश्मीर कोई गए हैं तो आपने सुना होगा, वहां कहते हैं कश्मीर एक जगह जाने की जगह नहीं है, एक बार जाने की जगह नहीं है, चार बार जाने की है. किसी ने पूछा भैया क्यों चार बार, तो कहते चार मौसम अलग है और हर मौसम में कश्मीर अलग है. ये फोटो इसलिए मैंने शेयर किया कि हर सिम्टम रूब्रिक शायद वही रहता है, सिम्टम और रूब्रिक शायद वही रहता है, उसके साथ जुड़ा हुआ माहौल जो है वो चेंज होता है. अब ये माहौल जो चेंज होता है वो कई बार हमारा खुद का भी होता है. हम उसी स्टेट ऑफ माइंड में केस नहीं देखते हैं. मैं जिस दिन बड़े खुश मिजाज हूं, मैं मस्ती में हूं, तो मुझे ध्यान नहीं आएगा अपसेट है मेरे से.
जिस दिन मैं सतर्क हूं मैं सोचूंगा ये समझ जाऊंगा जल्दी, जिस दिन मैं खुद तकलीफ में हूं तो सामने वाला भले ठीक मूड में हो मुझे लगेगा ये ठीक नहीं है। तो हर सिचुएशन में हर रूब्रिक के साथ, रूब्रिक मतलब जो भी हमको प्रेजेंटेशन एक दिखता है उसके साथ एक उसकी साथ प्रेजेंटर की एक सिचुएशन जुड़ी है जिसको आप वेदर कहेंगे, उसका उसका मौसम जुड़ा हुआ है और एक आपका जुड़ा हुआ है जो फील करता है, जो एहसास करता है, जो महसूस करता है। पहले वाले केस में किसी ने कहा था वो बैठने की स्टाइल से प्लैटिना है और किसी ने कहा था कि वो कंटेम्पचुअस है बैठने की स्टाइल से। मुझे किसकी, मैं अगर खुद में अपने आप में संतुष्ट हूं और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या करता है कैसे बैठता है, तो मैं ऐसे बैठे हुए पेशेंट को तन के बैठे हुए पेशेंट को इग्नोर कर दूंगा, मुझे वो तना हुआ दिखेगा नहीं, मैं शायद वो पोस्चर भूल जाऊंगा, इग्नोर करूंगा। मुझे याद है एक हमारे, मैं जब पढ़ता था तो एक हमारे साथ डॉक्टर पढ़ती थी, केस टेकिंग होने के पहले वो अंदर गई सर के पास, सर कहती सर वो बाहर बैठी लेडी नहीं पेशेंट है, कहते हाँ, कहते हाँ नहीं पेशेंट है, तो सर वो सेपिया है। ये मैं तब की बात कह रहा हूँ जब मेडिकल कॉलेज से बस बाहर आए थे, तो हम सब ने पूछा ये सेपिया कहाँ से है, तो कहते सर वो ना लड़के जैसी बैठी है। अब शी मैन हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था शी मैन, सेपिया को एक नाम दिया था हमने शी मैन, और वो ये लड़की ने देखा था कि ये लड़के के जैसी बैठ, अजीब बात है लड़कों को दिखना चाहिए पहले, और लड़कों को अक्सर नजर आता है कि ये लड़की कम लड़का ज्यादा है, और ये लड़की, ये जो डॉक्टर खुद लड़की है वो देख के रिपोर्ट करती है, लड़कों को अभी तक उसकी भनक भी नहीं आई। तो मेरे अंदर का जो माहौल है, मेरे अंदर का जो मौसम है वो मेरे एक्सपीरियंस से भी जुड़ा हुआ है। और सो फार एज साइकल सिस्टम इज कंसर्न, ये इतनी सिंप्लीफाइड है कि आप जो देखते हैं जैसा देखते हैं उसके साथ रिलेट करें। लेकिन हनी ने कहा है अपने एफोरिज्म नंबर शायद 6 में, जहां अनप्रिजुडिस्ड ऑब्जर्वर कहते हैं, हमको ये ध्यान रखना जरूरी है। एफोरिज्म नंबर भूल जाइए सर लोग, मैं गलती इसमें कर सकता हूँ नंबर में, एफोरिज्म तो अनप्रिजुडिस्ड ऑब्जर्वर का सब लोग जानते हैं। अनप्रिजुडिस्ड ऑब्जर्वर का मतलब ये, वो जो अपने प्रिजुडिस जान जाता है, तो कम से कम अपना प्रिजुडिस मतलब अगेन वही मौसम की बात कर रहा हूँ, मेरे इर्द गिर्द मेरा जो मौसम है वो मेरा प्रिजुडिस है, तो रेमेडी का हो फिर वो मेरे नेचर के वजह से हर एक में मुझे गुस्सा दिखता है वो हो, या हर एक में मुझे लगाव दिखता है वो हो, जो भी हो मेरे अंदर जो चलता है वो अगर मैं उसको अवेयर हूं तो मैं अनप्रिजुडाइज्ड हूं, तो मैं जो सामने दिख रहा है वो आसानी से देख पाऊंगा, और अगर ऐसा है तो मैं रिसीव कर पाऊंगा। मेरा मन अगर क्लियर है कि जो मिलेगा वो खा लूंगा, तो मैं जो मिलेगा वो देखूंगा, और मेरे मन में अगर है कि मैं आज गोलगप्पे खाऊं, सामने वाले ने पिज्जा ला के दिया होगा उसमें मजा नहीं आएगा और पिज्जा में खोल जरूर दिखेगी। आई थिंक 10 बज गए सर, आपका आपने कहा हुआ टाइम सर आपने जो बात कही ना, वी हैव क्रॉस्ड द टाइम। हेलो सर, सर आपने जो कहा कि अनप्रिजुडाइज होने की जरूरत है, तो भूपेंद्र सर ने या किसी सर ने बोला था कि आपको सिर्फ वॉचमैन बनने की जरूरत है। वॉचमैन का काम जो होता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बस। तो अगर आप वॉचमैन बनेंगे तो आप शायद पेशेंट को अच्छे से रीड कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पता भी होना चाहिए कि क्या चीज क्या है। एकदम सही है मैडम, एकदम सही है। वॉचमैन दो होते हैं वॉचमैन, हमारे यहाँ एक बोंदू साहब है, बाड़ा साहब बोलते हैं उनको, बड़े अदब से उनको साहब जोड़ते हैं, बाड़ू नाम है वैसे तो। वो बैठते हैं, वो काम करते हैं, वो बैठे रहते हैं, वो देखते हैं खाली,
वो खाली देखते हैं, वॉच करते हैं। उनका काम खाली वॉच करना नहीं होता है, वॉच करके कुछ प्रॉब्लम है कि ये एसेस करना होता है और उसको रोकना भी होता है। कुत्ता अगर भौंके नहीं आवाज सुन के चोर देख के, तो वो कुत्ते की वैल्यू क्या रही, अहमियत क्या रही? और अगर कुत्ता वहां है और वो आवाज देख के चौकन्ना होता है और समझता है कि गड़बड़ है और वो आवाज करके मालिक को जगाता है, तब उस कुत्ते की वैल्यू है। वैसे ही वॉचमैन का है, वैसे ही हमारा है। हमने अगर जान लिया कि ये आप में और मेरे में किसी समय गुस्सा आएगा, किसी समय लगाव आएगा, आएगा, आपको और हमको ये जानना जरूरी है कि मेरे अंदर जो अभी चल रहा है उससे मेरा केस रिसीविंग इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। दैट इज इट। इज दैट ओके? आई थिंक सर यहाँ पे आपका आपका पैशन काम आता है। अगर आप पैशनेट रहते हैं तो आप फिर हर चीज को छोड़ करके बस वही फोकस्ड हो जाते हैं जो आपका काम है, या क्योंकि आप इंटरेस्ट से जुड़े होते हैं। और यदि आप सिर्फ काम के लिए कर रहे हैं तो आई थिंक आपने कहा कि फिर और भी चीजें हावी हो सकती हैं। ठीक है, एकदम सही है। आपका पैशन किस चीज से हो, पेशेंट ठीक करने का हो, अपने आप को समझने का हो, पेशेंट को ठीक करने का हो, मटरमेडी का इमेज ढूंढने का हो, जो भी हो पैशन, जो भी हो काम आएगा, वो आपको घोड़े की तरह बांध के रखेगा। करेक्ट सर, बिल्कुल सही। थैंक यू सर, वेरी नाइस लर्निंग विद यू। बहुत अच्छा रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड सर, मेरे टीचर्स बैठे हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आई इंप्रूव। थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्या कहते हैं इसको, प्रेजेंटेशन। तो मैंने जो कुछ वीडियोस और ये रखे थे व्हिच वुड हैव हैड यू नो डेफिनेटली पुट अक्रॉस द पॉइंट मच बेटर, आई विल सी टू इट दैट इट वर्क्स। उनको नेक्स्ट टाइम देखेंगे सर, अभी नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। अशोक सर थैंक यू सो मच। तिवारी सर धन्यवाद, आप आए, आप लॉग इन करे और आप सुन रहे थे, थैंक यू सो मच। अनीता मैडम थैंक यू सर, आगे भी आइएगा सर जी, आगे भी आइएगा सर, अभी से नेक्स्ट क्लास के लिए, अभी से नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग एक्साइटेड है सर। नेक्स्ट आएंगे, वापस क्यों नहीं आएंगे? मैंने कहा ना आपको, आपने आपको इंप्रूव करना मेरे जरूरत है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आई थिंक शुड बी मच बेटर प्रेजेंटेशन, जिसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जरूर सर, जरूर सर। थैंक यू, थैंक यू विक्रम, थैंक यू सो मच, थैंक यू अनिता मैम, थैंक यू सर, अच्छा लेक्चर सर।